हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जनूबी ओंटेरियो में बर्फानी तूफान के साथ मौसम सरमा की वापसी। एनवायरमेंट कनाडा कमेंसर से क्यूबेक सिटी तक मौसम का एक खसूसी बयान जारी। कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। कैनेडियन वजीर आजम की अपनी काबीना के हमरा हैमिल्टन में बैठक। सूबों के वज़राए आला सेहत के नए मुहैदों के लिए पुरउम्मीद। ट्रूडो और उनकी टीम के लिए महंगाई और कसाद बाजारी का खतरा सरे फहरिस्त। कैनेडा में फ्रीडम कॉन्वॉय का एक साल मुकम्मल। पुलिस मुमकिन मुजाहरों से निमटने के लिए तैयार। ऑटोवा पुलिस चीफ का कहना था कि सड़कों की बंदिश मुमकिन है। पुलिस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, जरूरत पड़ने पर अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में 3 दिन में फायरिंग का दूसरा वाकया, मजीद 7 अफराद हलाक। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 2 रोज में 18 अफराद कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन का इल्जाम, यूक्रेन के नायब वजीर दिफा अपने ओहदे से मुस्ताफी। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबरा भी मुस्ताफी। वज़ारत दिफा का कहना है कि नायब वजीर दिफा ने ये इंतहाई इकदाम आवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए उठाया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Environment Canada ने विंडसर से क्यूबेक सिटी तक मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया, जिसमें बुध के रोज आने वाले तेज असर वाले तूफान की वार्निंग दी गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जुनूबी ओंटेरियो में एक अहम बर्फानी तूफान के साथ इस हफ्ते मौसम सरमा की एक बड़ी वापसी होगी। एनवायरमेंट कनाडा ने विंडसर से क्यूबेक सिटी तक मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया, जिसमें बुध के रोज आने वाले तेज असर वाले तूफान की वार्निंग दी गई। तेजी से जमा होने वाली बर्फ और कम मरियत सफरी खदशात का बाइस बन सकती है। तूफान की बुलंदी पर सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में फी घंटा 2 सेंटीमीटर बर्फ गिर सकती है। टोरंटो, मार्कहम, हैमिल्टन, ओटावा, पील, लंदन, नियाग्रा, पीटरबोरो, वाटरलो, विंडसर और डरहम कुछ ऐसे इलाके हैं जो मौसम के बयान में शामिल हैं। बर्फबारी बुध की सुबह से शुरू होने की तवक्को है कि असल तूफान से पहले ही मुंजमद बारिश शुरू होगी, जिसके आने की तवक्को दोपहर के अवाइल में होगी। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक बुध की शाम सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होगी, जिसके सबब तेज हवाएं हद निगाह को कम कर देंगी और सफर को मजीद खतरनाक बना देंगी। जुमेरात की सुबह तक बर्फ के कम होने की तवक्को है, लेकिन सड़कें बर्फ से ढकी होंगी, जबकि सुबह का सफर अभी भी सुस्त हो सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि गाड़ी चलाने वालों को बुध की सुपहर और जुमेरात की सुबह के सफर के लिए आगे की मनसूबाबंदी करने की तरगीब दी जाती है या गैर जरूरी सफर को मुलतवी कर दें। जनूबी ओंटेरियो में कम अज कम 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने की तवक्को है। कुछ इलाकों में मुमकिन तौर पर 15 या 20 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। मौसम के खसूसी बयान जो फिलहाल नाफिजल अमल है, उन्हें बर्फबारी की वार्निंग अपग्रेड किए जाने का इम्कान है, क्योंकि तूफान की आमद करीब है। जनवरी 2023 में अब तक टोरंटो में तकरीबन 11 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है, जो माहाना औसत 3 सेंटीमीटर से बहुत कम है। कनाडा के सूबों के वज़राए आला इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वफाकी काबीना सेहत की देखभाल की माली आनत से मुतालिक किसी नए मुहायदे की तरफ पेशकदमी कर सकती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कनाडा के सूबों के वज़राए आला इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वफाकी काबीना सेहत की देखभाल की माली आनत से मुतालिक किसी नए मुहैदे की तरफ पेश कदमी कर सकती है, क्योंकि वज़रा इस हफ्ते हैमिल्टन ऑनटेरियो में इजलास के लिए जमा हो रहे हैं। पीर की सिपह कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के बेशतर अराकीन ने टोरंटो के मगरब में शहर का रुख किया, जहाँ वो अगले हफ्ते पार्लियामेंट की वापसी से कबल अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने में 3 दिन गुजारेंगे। अगरचे ट्रूडो और उनकी टीम के लिए सस्ती और कसात बाजारी का खतरा सरे फहरिस्त है, वो एक नए वफाकी सूबाई सेहत की देखभाल के फंडिंग के मुहैदे को ख़त्म करने की जारी कोशिशों पर भी बात करेंगे। वज़राए आला ने कैनेडियन हुकूमत से कहा है कि वो सेहत की देखभाल के अखराजात में बड़े पैमाने पर अपने हिस्से में इजाफा करें, क्योंकि कोरोना वायरस के 3 सालों के बाद सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। हजारों सर्जरियों के बैकलॉग और मजदूरों की कमी वबाई अमराज के बाइस बढ़ गई है। ट्रूडो ने बारहा कहा कि मजीद रकम आएगी, लेकिन वो सूबों से जवाबदही चाहते हैं कि ये रकम उन चीजों पर खर्च की जाएगी जो मरीजों की देखभाल में बामायनी बेहतरी दिखा सके। उनमें फैमिली मेडिसिन, दिमागी सेहत और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड में सरमायाकारी शामिल है। वफाकी सूबाई तातुल खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑनटेरियो और क्यूबैक दोनों डेटा और टेक्नोलॉजी के अपग्रेड पर मुत्तफिक हो गए, जो कनाडा चाहता है, लेकिन मुहैदे की हतमी तफसीलात पेश करने के लिए पहले वज़रा की मीटिंग के लिए अभी तक कोई ठोस तारीख नहीं है। ट्रूडो और उनकी काबीना का इस्तकबाल एहतजाजी मुजाहरों के जरिए किया गया जब वो शहर हैमिल्टन में अपने होटल पहुंचे। ये शहर मुल्क की सबसे ज्यादा मुसाबकती वफाकी नशस्तों में से एक समझा जाता है। कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय का 1 साल मुकम्मल होने पर पुलिस मुमकिन मुजाहरों से निमटने की तैयारी कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय का 1 साल मुकम्मल होने पर पुलिस मुमकिन मुजाहरों से निमटने की तैयारी कर रही है। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा के पुलिस चीफ एरिक स्टिप्स का कहना है कि वसाइल, टू ट्रक और अमले के मंसूबे अपनी जगह पर हैं, क्योंकि शहर फ्रीडम कॉन्वॉय के आगाज की 1 साल की सालगिरह के मौके पर तैयारी कर रहा है। 28 और 29 जनवरी 2022 को हजारों लोग ट्रकों और बड़े रगों के साथ ऑटावा पहुंचे। पार्लियामेंट हिल के सामने सड़कों पर COVID-19 पाबंदियों और लिबरल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि वो इस इम्कान के लिए तैयार हैं कि बरसी एक और मुजाहरे को जन्म दे सकती है। इस टिप्स ने पीर की शाम पुलिस सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग में बताया कि फोर्स किसी भी गाड़ी पर मबनी एहतजाज को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस बारे में थोड़ी तफसील पेश की कि पुलिस का ख्याल है कि इस हफ्ते के आखिर में क्या मनसूबा बनाया जा सकता है या कितने मुजाहरीन की तवक्को है। इस टिप्स का कहना था कि हम मुतादित इंटेलिजेंस लाइंस की निगरानी कर रहे हैं, हम बहुत से लोगों, बहुत से मुंतजमीन से बात कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि सड़कों की बंदिश मुमकिन है। पिछले साल का एहतजाज 3 हफ्तों से ज्यादा जारी रहा और पार्लियामेंट हिल के करीब सड़कों पर होने वाले मुजाहरे को खत्म करने के लिए पुलिस की कार्रवाई सिर्फ उस वक्त सामने आई जब विफाकी लिबरल्स ने इमरजेंसी एक्ट का मुतालबा किया। पिछले मौसम खजा में इस फैसले के बारे में अवामी तहकीकात के दौरान ऑटावा पुलिस को उनके रद्द अमल पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। पीर की सुपहर जारी होने वाले एक बयान में इस टिप्स ने इसरार किया कि पुलिस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर अपनी कार्रवाई को बढ़ाने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया है, रिहायशियों और कारोबारी इदारों को शहर के मरकज और उसके आस पास के इलाकों में पुलिस की बढ़ती हुई मौजूदगी नजर आएगी। अगरचे किसी न किसी सतह के एहतजाज का इम्कान है, लेकिन हम तैयार हैं। इस वीकेंड और पूरी फरवरी के लिए हमारे पास दीगर एजेंसियों की मदद के साथ एक काबिले तौसी ऑपरेशनल मंसूबा है। हमारे पास किसी भी किस्म के मंजरनामे से निमटने के लिए वसाइल, लॉजिस्टिक्स, ट्रैफिक, टोइंग और स्टाफिंग के मंसूबे होंगे और वो हालात पैदा नहीं होने देंगे जिसके नतीजे में फरवरी 2022 के काफिले में पेश आया। वेलिंगटन स्ट्रीट, जो पार्लियामेंट की इमारतों के सामने मशरिक मगरिब में चलती है, गुज़िश्ता फरवरी से ट्रैफिक के लिए बंद है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्ट्री पार्क में फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद की हलाकत के एक रोज बाद साहिली शहर हाफ मून बे में फायरिंग के 2 वाक़ात में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉनिट्री पार्क में फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद की हलाकत के एक रोज़ बाद साहिली शहर हाफ मून बे में फायरिंग के 2 वाक़ात में 7 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग का वाक़ा 2 अलग अलग मकामात पर रिपोर्ट हुआ, जिसमें 4 अफराद एक फार्म में मारे गए और 3 मजीद लाशें मुख्तलिफ इलाके में पाई गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के शहर हाफ मून बे के फार्म हाउस में फायरिंग से हलाक होने वाले 7 अफराद खेतों में काम करते थे। हलाक होने वाले 7 अफराद चीनी फार्म वर्कर थे। पुलिस ने मुलजिम को पार्किंग में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम की गाड़ी से पुलिस को एक खुदकार पिस्तौल भी मिली। कत्ल के मुहरिकात का तयन न हो सका। सॉन मेटिव काउंटी शेरिफ क्रिस्टीना कार्प्स ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त
67 साला चौनली जाओ के नाम से हुई है, जो जाय वकवा के नजदीक ही एक फार्म हाउस में काम किया करता था। एक रोज कबल कैलिफोर्निया में ही चीन के साले नौ की मुनासबत से होने वाली डांस पार्टी पर 72 साला शख्स ने अंधाधुन फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया था और खुद भी अपनी गोली लगने से हलाक हो गया था। वाज़ेह रहे कि अमरीका में साल के पहले महीने के इब्तदाई 21 दिनों में फायरिंग के 38 बड़े वाकयात हुए और हर वाक़े में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं और अक्सर वाकयात में मुलजिम भी हलाक हुआ। यूक्रेन के नायब वज़ीर दिफा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, जबकि यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के नायब वज़ीर दिफा वेजलो शिपावाल अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, जबकि यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह क्रिलिटिमोशेंको ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी मीडिया की जानब से वजारत दिफा पर मुसल्ह अफवाज के लिए अशियाए खुर्दोनोश औसत कीमतों में 3 गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदने का इल्ज़ाम लगाया गया था। यूक्रेन की वजारत दिफा की सरकारी वेबसाइट ने नायब वज़ीर दिफा वेजलो शिपावाल के मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। यूक्रेनी वजारत दिफा का कहना है कि नायब वज़ीर दिफा ने मीडिया की जानिब से आर्मी फूड सप्लाईज में करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इस्तीफा दिया है। वजारत दिफा ने यह भी बताया कि नायब वज़ीर दिफा ने यह इंतहाई इकदाम महकमे पर आवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए उठाया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह क्रिलिटिमोशेंको ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदारती दफ्तर के नायब सरबराह क्रिलिटिमोशेंको ने अपने इस्तीफा यूक्रेनी सदर को पेश कर दिया है। उनका कहना है कि हर दिन हर लम्हे अच्छे कामों के लिए मौका और भरोसा करने पर यूक्रेनी सदर का शुक्रगुजार हूँ। सदारती दफ्तर के नायब सरबराह के मुस्तफ़ी होने की वजह जाहिर नहीं की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।